नमस्कार। सोराइसिस है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि किस चीज़ के साथ बात लेनी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सोराइसिस से रिलेटेड सोप मिलते हैं। चाहे वेस्टर्न मेडिकेशंस की बात करें तो उसमें भी एलोपैथी के सोप्स भी बहुत सारे आते हैं, आयुर्वेद में भी बहुत सारे इस तरह के सोप्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन क्रीम्स बहुत ज़्यादा होती हैं या इस तरह के जो वाटर फॉर्मिंग एजेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसी चीज़ें मार्केट पूरी तरह से भरी पड़ी है। लेकिन सोराइसिस वाले पेशेंट्स हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस चीज़ के साथ बात लें। तो सोराइसिस वाले पेशेंट्स के लिए मैं एक फ्री की एक चीज़ बता रही हूँ। जितने भी लोग सोराइसिस के साथ पीड़ित हैं उन लोगों को खट्टी दही के साथ नहाना है। एक दिन पुरानी दही घर में जमाइए, दही मिट्टी के बर्तन में जमाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और वो जब आप दही के साथ आधी कटोरी या एक कटोरी दही, जितना भी अवेलेबिलिटी आप अपने आप देखिए आपके पास जितनी अवेलेबिलिटी है उसके साथ आप हमेशा रोज़ दही के साथ नहाइए। आप देखेंगे कि अगर आपके शरीर में जख्म भी है, बाहर से थोड़ा सा पानी का रिसाव भी हो रहा है, या हल्की फुल्की पस फॉर्मेशन भी है, या ईचिंग है, या बहुत ज़्यादा स्केलीनेस है, या बहुत ज़्यादा खारिश होती है, खून तक निकलने को आ जाता है, या ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है, आप एक सिंगल बाथ लेकर देखिए। जब भी आप खट्टे दही के साथ नहाएंगे आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। स्किन का जितना भी इचिंगपन है, रैशेज हैं, गर्मी है, खिंचाव है, वो सारा का सारा एक दिन में ही पूरी तरह से आपको शांति प्रदान करेगा। और आप लगातार दही के साथ नहाते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा आपकी बॉडी के लिए मॉइस्चराइज़र रहेगा। इसमें कोई भी केमिकल नहीं है और दही जो है वो पूरी तरह से गुड बैक्टीरिया के साथ फिलअप होता है, तो वो आपकी स्किन के लिए भी एक रिफॉर्मिंग एजेंट भी बनेगा और उसको पूरी तरह से हील करने में भी मदद करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 बार नहा के देखिए आप दही के साथ, आप अपने आप में डिफरेंस जो है वो पाएंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी मार्केट से चीज़ लेते हैं, शैम्पू लेते हैं, सोप लेते हैं, या किसी भी तरह को कोई भी बेदिंग एजेंट लेते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव की फॉर्म्स में केमिकल्स जो हैं वो हमेशा रहते हैं। और आपकी स्किन ऐसी बीमारी की अवस्था में पूरी तरह से इंटरनल की तरफ से बाहर एक्सटर्नल की तरफ पूरी तरह से ओपन हो जाती है, और आप कोई भी केमिकल लगाते ही हैं चाहे वो पूरी तरह से ब्लड में मिक्स हो जाता है। इस करके आप देखेंगे कि सोराइसिस वाले पेशेंट्स को बार 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 वो सोराइसिस के जो फ्लेयर्स हैं या जो जख्म है वो बार बार कभी कम हो जाते हैं, कभी ज़्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, थोड़े टाइम के लिए छुप जाते हैं, फिर थोड़े टाइम बाद फिर बाहर आ जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा एक फैक्टर ये भी है कि जितना भी हम क्लिंजिंग एजेंट्स बॉडी के लिए यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं केमिकल्स के साथ फिलअप हैं। तो आई होप ये जो मैंने वीडियो आपको में जानकारी दी है आप लोगों के लिए बहुत काम की रहेगी, और आप एक बार इसे ज़रूर अपनाइए और अपना के आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू सो मच।